हवाले से क्या वहाँ पे निकल गया है? देखिए, जो केसेस हम देख रहे हैं वो काफ़ी अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहे हैं। हमारे केसेस करीब कल 1500 से ज़ायद हो गए थे, जो हमारे पिछले साल के रिकॉर्ड को भी बीट कर गए पर डे डिटेक्शन में। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें एहतियाती तदाबीर जो भी है वो तो लोगों को, हर किसी को पता है, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी है, मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, हैंड वॉशिंग या सैनिटाइज़र यूज़ करना है। तो यही तो एहतियाती तदाबीर अगर हम लें तो अभी भी मौका है, तो हम इसको नंबर ऑफ़ केसेस जो अलार्मिंग रेट पर बढ़ रहे हैं को हम रोक सकते हैं। और इस टाइम हम अगर देखें तो पिछले साल से मुकाबले में इस साल ये वायरस थोड़े डिफरेंट तरीके में बिहेव कर रहा है। हमारे जो यंग जवान हैं उनको भी ये इन्वॉल्व कर रहा है सीवियर मॉडरेट नमूनिया में, तो इसलिए ये एक बर्डन पड़ सकता है हर अस्पताल में। और फिर अगर ऐसी ही रेट पे केसेस बढ़ते रहे तो हमारे अस्पतालों के बेड भी कम पड़ सकते हैं इस सिचुएशन में। देखिए, जो एक लोगों में कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है कि शायद कोविड ख़त्म हो गया है, तो अगर आप प्रैक्टिकली बाहर देखते थे तो SOPs कहीं फॉलो नहीं होते थे। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ हमेशा एडवाइस करते थे लोगों को कि कोविड कहीं नहीं गया है, कोविड यहीं पे है, ये बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन जो एहतियाती तदाबीर है वो हमें कंटिन्यूसली लेने, इवन आफ्टर वैक्सीनेशन जो भी हमारे मास्क पहनना या बाकी सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, तो ये इंतहाई ज़रूरी है इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए। आपको लग रहा है सर लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है इस सिचुएशन में? हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ ताकि जो गैदरिंग्स है उसको अवॉइड करें, लेकिन लॉकडाउन तो एक ब्रीदिंग पीरियड होता है एक हमारी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। और इसमें इससे हम ट्रांसमिशन जो है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर SOPs फॉलो नहीं हुई तो लॉकडाउन का भी कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होता है। पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो इतने केसेस नहीं थे, पूरे पैन इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको क्या लग रहा है कहाँ पे चूक हुई? लेकिन चूक नहीं है, जो वायरस का जो अपना एक तरीका होता है, वायरस कभी स्टेबल नहीं होता और इसमें तब्दीलियाँ होती रहती हैं, म्यूटेशन होती रहती हैं, और कभी ये कमज़ोर हो जाता है, कभी और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। और इस वक्त जो बात आज चल रही है पूरे मुल्क में, एक नए स्ट्रेन जो सर्कुलेट हो रहे हैं, काफ़ी एग्रेसिव स्ट्रेन है, काफ़ी विरुलेंट है, जिसकी वजह से जो इसका ट्रांसमिशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो इसका इन्वॉल्वमेंट है काफ़ी है, और लोगों के में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो फैमिलीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह से आप ये हम अगर हम जाने के एक नया पेंडेमिक हम मान लें इसको, जो लास्ट ईयर हुआ था उसका अगर हम भूल कि ये समझ लें कि एक नया पेंडेमिक आ चुका है एक नए वायरस के तौर पर, और लोगों में जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs आ रही हैं उसको रिलीजियसली फॉलो करने की ज़रूरत है। अब अनफॉर्चुनेटली हम यही देख रहे हैं कि लास्ट ईयर की वजह में इसकी वजह से जो इफेक्ट रहे काफ़ी कम रहे, और लोगों में शायद इस बार भी वही दिमाग में है कि शायद इसके असरात कम रहे हैं, लेकिन जो इसके आजकल असरात हैं काफ़ी ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं जनरल पॉपुलेशन को। अभी डॉक्टर नवीद साहब ने भी कहा कि यंगर पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है, और आगे जाके खुदा ना खास्ता अगर यही सूरत हाल रही जो आजकल आप दिल्ली में रहे हैं, कल को J&K में भी यही सूरत हाल हो सकती है। हर साल एक नई तहकीक हो रही है, देखा जाता है इसका ट्रांसमिशन क्या है। लास्ट ईयर अगर आपने देखा कि लोगों ने कहा कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए होता है या फोमाइट या किसी चीज़ को हाथ लगाने से होता है, बट इस बार अगर जो दुनिया के सबसे बड़ी जो रिसर्च जर्नल है लैंसेट में पब्लिश हो चुका है कि ये एयरबॉर्न है, यानी कि ये हवा में ये वायरस मौजूद है। सो इसमें ये सबसे ज़्यादा खतरा यह है कि ये किसी भी शख्स को किसी भी सूरत में लग सकता है अगर वो मास्क ना लगाए। सो ये ज़रूरी नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा जाए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोग मास्क लगाएं और ख़ुद को बचाएं। अगर लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया तो हर एक शख्स कहीं पर भी इस वायरस से मुतासर हो सकता है। थिंग्स हो रही हैं तो यूजुअली एक कोशिश ये रहनी चाहिए कि अब ऑनलाइन मोड पे ही मीटिंग्स हो, और अगले आप देख रहे हैं अभी इस डिसीजन भी होगा कि आगे जाके जो मीटिंग्स होगी ऑनलाइन पे होनी चाहिए, और लोगों में भी ये बात आनी चाहिए कि जो मजाजलिस हो रहे हैं वो रिलीजियस हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो या रिक्रिएशनल हो, तो उनको कम किया जाए या कोशिश की जाए ना की जाए ताकि जो वायरस का ट्रांसमिशन है इसको रोका जाए। मुकाबले में जो कोशिश की गई है हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन बेड हैं उनकी तादाद बढ़ा दी गई, जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं उनकी तादाद बढ़ा दी गई, मल्टीपल टाइम्स उनकी तादाद बढ़ा दी गई। लेकिन अगर ये इसी सूरत हाल से जो वायरस का ट्रांसमिशन बढ़ रहा है, कल खुदा न खास्ता को ऐसी भी सूरत हाल होगी कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, गो कि इस वक्त एडिक्वेट स्टॉक्स मौजूद हैं। लोगों को सीरियसली इस डिज़ीज़ को लेना है, वायरस को लेना है, एक वाई सूरत हाल उभर रही है, और खुदा न खास्ता कल को ये सूरत हाल बहुत पेचीदा होकर हम सबको इसको अपने लपेट में ले सकती। नाज़रीन,
अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब।